बोलू सर। हाँ, ये सवाल ये है कि सर हमें अपने प्रतिदिन दिनचर्या में कैसे रहना चाहिए कि हम मतलब डिप्रेशन में नहीं आए, मतलब एक खुशहाल जिंदगी जिए, मतलब ये डिप्रेशन वगैरह जो ये बीमारी, मतलब क्या अपना खाना पीना रखना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए क्या? जैसे डिप्रेशन ना आए तो खाना पीना क्या चाहिए, ये पूछना चाहते हैं? हाँ, मतलब हमारा क्या अपनी ओर से प्रयास किया जाए क्या डिप्रेशन भी नहीं हो, ओसीडी के दौरान डिप्रेशन की संभावना थोड़ी बढ़ जाती, है ना। हाँ, उसके लिए सबसे अहम बात यही है, सबसे बड़ी बात सर ये कि हम अपना धैर्य खो देते हैं। जल्दबाजी तो ओसीडी का मेन फैक्टर है कि इंसान जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी वो एंजाइटी को सहन नहीं कर पाता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, उससे हो नहीं पाती है, उसको लगता है कि कंपल्शन करके बस मैं एंजाइटी को ठीक कर लूं, बस जल्दी से कर लूं, जल्दी से, वही जल्दबाजी उसके लिए खतरनाक साबित होती है। तो देखो, खाने पीने का ओसीडी से डिप्रेशन से संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका शरीर है तो आपकी डाइट और आपका रूटीन वेरी गुड है, या आपके अंदर कोई डाइट में या कोई चक्कर नहीं है, नहीं तो वो शरीर बता देता ना। शारीरिक रूप से आप एकदम स्ट्रॉन्ग, फिट एंड क्लीन जो भी है सारी आपके अंदर है, बस ध्यान रखना है मेंटल डाइट का। मेंटल डाइट इंपॉर्टेंट है कि आप मानसिक खुराक क्या ले रहे हो, वो आपने एक तो जो भगवान के बारे में बातें करें उनको मारो ताला, बिल्कुल धार्मिक किताबों को छोड़ साइड दो, कर दो, साइड कर दो, सारी घर में है तो फेंकाओ, रद्दी वाले को दे दो ताकि कोई और डाटा ना ले पाए, किसी को गिफ्ट भी नहीं देनी है, रद्दी वाले को देनी है। दूसरा, ये जो YouTube पे चैनल बनाते हैं पप्पू धदू ये वो, कोई कहता है मेरे प्रभु, ये प्रभु वो प्रभु, जो रंगे सियार हैं, जो कोई लाल पहन के आएगा, कोई पीला पहन के आएगा, कोई हरा पहन के आएगा, कोई सफेद पहन के आएगा, कोई भगवा पहन के आएगा, कोई बाल मुंडवा के आएगा, कोई बाल बढ़ा के आएगा, कोई चोटी करके आएगा, कोई कुछ करके आएगा, कोई यहाँ पर बबूत पता नहीं क्या लगा के आएगा, कोई यहाँ लगा के आएगा, कोई यहाँ लगा के आएगा, कोई सारे ही कपड़े पहन के आएगा, कोई नंगा ही आएगा। तो इन रंगे सियारों को नहीं सुनना है, ये मेंटल डाइट नहीं लेनी है, इनसे कचरा नहीं लेना है, दूर रहना है, इनसे दूर रहना है, इनको तो बस कहो कि भाई इनको तो भगवान ने छोड़ दिया है। कबीर कहते हैं ना, पंडित मौलवी हिंजड़ा इनसे भक्ति ना होए रे। कबीर कहते हैं हाँ, तो ये पंडित जो ब्राह्मण है, जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है वास्तव में, वो हो गए हिंजड़ा हो गया या मौलवी तो हो ही गया ना, तो इनसे भक्ति नहीं हो सकती, ये तो बस अपने डाटा में ही भ्रमित रहते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई भी धार्मिक फंक्शन हो गया, कोई क्रियाक्रम है घर में, खास करके आपने नहीं करवाना है, नहीं शामिल होने की जरूरत है, ना ही कहीं कोई दान दक्षिणा देने की जरूरत है, बस अपना देखो आप अपने पढ़ाई पर लक्ष्य रखो, बस कि मेरा कर्म ही महान है, कर्म करते जाओ, बस ये एक मेंटल डाइट। और एक मेंटल डाइट आपने लेनी है जो गीता कोर्स है, भगवत गीता को पढ़ना नहीं है, जो मैंने भगवत गीता के 18 अध्याय एक्सप्लेन किए हैं, साइको एनालिसिस किया है, उसी को सुनना है या ये किताब पढ़ लेना है, बस ये मेंटल डाइट। बस भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, लाओत्सो के सूत्र, ये अच्छी चीजें हैं, ये तीन किताबें पढ़ने लायक है, बाकी कचरे की ढेरी है। तो ये मेंटल डाइट के ऊपर आपने ध्यान देना है, भगवत गीता और अष्टावक्र गीता और लाओत्से। हाँ, लाओत्से, ये भी खुद पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी, किसी साइकोलॉजिस्ट जैसे मैंने बताया वो एक्सप्लेनेशन आपके लिए काम की है, बाकी खुद पढ़ोगे या किसी और की गीता पढ़ दी ना, टीका की हुई, तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि वो अपने चश्मे उसके ऊपर थोपते हैं, अपने ही भाव विचार गीता के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। और ओशो को तो बिल्कुल नहीं सुनना है, ठीक सर, ठीक है, नहीं तो फिर इतने खतरनाक हो जाओगे कि मैं भी संभाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर आपके अंदर तर्क वितर्क आएंगे ना, तर्क, आपका मन अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, फिर सुन नहीं पाओगे, फिर सुना ही पाओगे, सुना ही पाओगे। हाँ, वैसे वाले सुन नहीं सुन नहीं सकते, वो सिर्फ सुना सकते, वो तर्क करते ज्यादा। हाँ, तर्क उनका बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तर्क वाला, तो वो फंस जाते हैं, तर्कवादी इंसान हमेशा मार खाता है। तर्क एक अच्छा तर्क हो, हेल्दी तर्क हो, एक इंसान अच्छा शिष्य बने, स्टूडेंट बने, सीखने के लायक बने,
लेकिन वो खुद ईगो बढ़ जाता है ना, उनका अहंकार की प्रवृत्ति आती है, तो वो गलत है। ठीक है, तो ये सवाल क्लियर। ओके, तो अभी आपके 3 सवाल थे, कल तक और भी सवाल आए तो आपने क्या करना है, डायरी में लिख लेना है और कल आपने सारे पूछने ने। आपने इस समय का सदुपयोग करना है, कल का दिन आप मुझे उलझाए रखो, से कोई दिक्कत नहीं, जितने सवाल आप पूछ सकते हो पूछो, कल बाकी नहीं रखना, क्योंकि उसके बाद फिर ना मैं समय दे पाऊंगा ना आप के लिए समय, तो इन 2 दिन का आपने फायदा उठाना है। ठीक है, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।